फाइनली अरान एंटरटेनमेंट इज बैक विद अ न्यू वीडियो। एक वीडियो में 3 रिव्यूज, ये सिर्फ इसी चैनल पर मुमकिन है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस, और हाँ वीडियो को शेयर भी करना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ सेज टेम्पल अटैक। ये मूवी Zee5 पर रिलीज हुई है। ओवरऑल लेंथ 1 आवर 50 मिनट्स की, और इसमें हमें नजर आता है अक्षय खन्ना। खैर मूवी की कहानी फोकस करती है एक ट्रू इंसिडेंट पर, यानी कि हमारे इंडिया के गुजरात में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है अक्षरधाम टेम्पल, उसमें टेररिस्टों ने अटैक किया था। अब उस अटैक के बाद कैसे उस मंदिर में बहुत सारे लोगों की जान गई थी और उससे भी ज़्यादा लोगों जख्मी हो गए थे, लेकिन उन टेररिस्टों को कैसे उनकी नानी याद दिलाए हमारे इंडिया के NSG जवानों ने, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी ही देखनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ इस तरह की मूवीज़ देखने के बाद कि एज ए इंडियंस आपको वो जो एग्रेशन है, इमोशंस है, वो जो भी चीज़ है वो आपको फिर से ताज़ा हो जाती है। और कहीं ना कहीं इस पूरी मूवी के दौरान आप जो चीज़ फील कर पाओगे ना वो मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। और एज अ हिंदुस्तानी मुसलमान मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कुछ चंद चूतियों की वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। मुझे प्राउड है हमारे इंडिया के NSG जवानों पे, हमारे इंडिया के वीर फौजियों पे, हमारे इंडिया के उन ऑफिसर्स पे जो हमारे हम सब लोगों की हिफाजत करते हैं और ऐसे टेररिस्ट अटैक से हमको बचाते। और यार ये मूवी से हटकर मैं कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मूवी को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको एंगेजिंग रखती है। और इस मूवी में अक्षय खन्ना का जो रोल है वो सबसे पहले हमें फौज में नज़र आते हैं, लेकिन उनके मिशन में उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसको वो भुला नहीं पाते, लेकिन अब जब वो NSG में तो यहाँ पर वो इस मिशन को किस तरह से अंजाम देते वो तो हमें बहुत अच्छी तरह से देखने को मिला, लेकिन साथ साथ जो उनका पास्ट है उनको किस तरह से हॉन्ट कर रहा है वो भी इस पूरी मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से बताया, जिस वजह से हम अक्षय खन्ना के कैरेक्टर से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनका भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। मूवी का BGM बहुत अच्छा है और सिनेमेटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है। जो विजुअल्स थे, मतलब वो जो टेररिस्ट उस मंदिर में घुसते हैं फिर वो जो गोलीबारी करते हैं, मतलब यहाँ पर मैं बोल भी नहीं सकता उस टाइम पर मैं क्या फील कर रहा था, आज मैं कुछ भी मूड में नहीं उस चीज़ को बताने के लिए। और ये मूवी मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इतनी एंगेजिंग होगी, क्योंकि वो इंसिडेंट अपने आप में एक ऐसा इंसिडेंट है जो हर एक इंडियन कभी नहीं भूल सकता। और मैं क्या बोलूँ यार, वो दर्द वो महसूस कर रहा था इस पूरी मूवी के दौरान। और मैं आज इतने कह सकता कि अगर आप लोग पक्के इंडियन हो तो भाई ये मूवी देखो और आपको पता चलेगा हैवानियत क्या होती है और इंसानियत क्या होती है। बाकी सभी एक्टर्स ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से किया, और अक्षय खन्ना फिर से एक बार दिखा दे कि यार बहुत ही गजब के एक्टर हैं, उनको अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो कमाल कर सकते हैं, और वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर करके दिखाई है। डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल इट्स अ वॉचेबल मूवी। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10। खैर अब हम लोग बात करेंगे Fear Street Part 2 1978, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए। ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाती है। मूवी की ओवरऑल लेंथ ऑलमोस्ट करीब करीब 2 घंटे, यानी कि ऑलमोस्ट 2 घंटे की भी नहीं है। मूवी की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर Part 1 खत्म हुई थी, यानी कि डीना को किसी भी तरह से उस लड़की यानी कि सी बर्मन का पता लगाना है, क्योंकि सी बर्मन ही एक लड़की थी जो विच से पोजेस होने के बाद जिंदा बची थी, क्योंकि डीना को किसी भी तरह से अपनी फ्रेंड सैम की जान बचानी। तो अब 1978 में सी बर्मन के साथ क्या कुछ हुआ था उस कैम नाइट विंग में, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको Part 2 देखना पड़ेगा। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि Part 2 Part 1 के कंपेयर में मुझे इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि बीच में काफ़ी ऐसा पोर्शन है जहाँ पर मैं थ्रू आउट द वे बोर हो रहा था, बट उन लोगों ने कहानी को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया, बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से बताई। और हाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जितने भी टीनेजर्स बताए हैं उनकी जो सिचुएशन है, उनके साथ जो जो चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, और उनके अंदर का जो चेंजेस बदलाव है वो चीज़ आप थ्रू आउट द मूवी में फील करते हो। और कहीं ना कहीं वो जो दो बहनों के बीच की जो बॉन्डिंग बताई है ना, कहीं ना कहीं आपको इमोशनल वे में टच करेगी और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नाम से ऐसा लगता होगा कि ये एक हॉरर मूवी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिस्ट्री स्लैशर मूवी है जहाँ पर आपको एक विच से रिलेटेड मिस्ट्रीज देखने को मिलेगी, और वो मिस्ट्री बस अब रिवील होने ही वाली है लेकिन उसके 3rd पार्ट में। तो इस मिस्ट्री को जिस तरह से आगे बढ़ाया वो बहुत अच्छा लगा। और स्लैशर पार्ट इसका Part 1 की कंपेयर में इतने स्लैशर सीन्स नहीं है, लेकिन
क्लाइमैक्स में जो खपागप 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 मारने वाले सीन्स थे ना भाई, मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहाँ पर वॉमिट भी आती है, और जो लोग इस तरह के सीन्स देखना पसंद करते हैं उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ भाई। और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो यार ईच एंड एवरी एक्टर जैसे कि पार्ट वन में थे, वैसे ही पार्ट टू में भी जो अलग एक्टर्स हैं उन लोगों ने अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। कास्टिंग इज़ वेरी परफेक्ट, डायरेक्शन बहुत अच्छा, और कहानी को जिस तरह से वो लोग बता रहे ना मैं क्या ही बोलूँ यार। पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा कि ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि एडल्ट सीन है और स्लैशर के सीन्स तो मैं बोल ही नहीं सकता। मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को रेट दूंगा 8 out of 10। डेफिनेटली जाओ देखो, एंजॉय करो। और हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कॉलर बॉम्ब जो कि रिलीज हुआ है हॉटस्टार स्पेशल्स पे। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 26 मिनट की, और कहानी फोकस करती एक सेलिब्रेटेड कॉप मनोज हेसी जो कि अपने बेटे को एक स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जा रहा है, लेकिन मनोज के पास में कुछ ऐसी चीज हुई है जिस वजह से वो कहीं ना कहीं ये राज लोगों से छुपा रहा है। अब वो उसके पास में क्या हो वो तो आपको ये मूवी में ही देखना पड़ेगा। कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब मनोज हेसी अपने बेटे को लेकर सेंट जॉर्ज स्कूल में जाता है। वहाँ जाने के बाद एक बंदा कॉलर में बम लगा के आ जाता है। अब इसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए तो भाई आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। यार ये मूवी को बहुत ही ज़्यादा फास्ट रखा है, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पलक झपकने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन कुछ नया देखने का एहसास होता है, इतना मैं यहाँ पर आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा, यानी कि मूवी को इतना फास्ट रखा कि सिर्फ सिचुएशंस आपको बताइए वो सिचुएशन देखकर आपको समझना है। कैरेक्टर डेवलपमेंट एक गया फाड़ में ऐसा किया लोगों ने। खैर उसके अलावा मूवी में जिस तरीके से क्राइम्स बताए हैं वो काफ़ी यूनिक लगे, काफ़ी हटके लगे, जो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। यार वैसे इस मूवी के थ्रू जो एक मैसेज देने की कोशिश की वो मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो मैसेज यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप पूरी तरह से मूवी को प्रेडिक्ट कर लोगे। हालांकि ऑब्वियसली ये मूवी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी वो मैसेज बताने के बाद तो आप पूरी तरह से प्रेडिक्ट कर लोगे, इसलिए वो मैसेज मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। और मूवी में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार जिमी शेरगिल को फिर से एक अलग रोल में देखकर बहुत ही मज़ा आया, और उसके अलावा आशा नेगी ने भी अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी कुछ अलग करने की कोशिश की जो मुझे बहुत अच्छा लगा। डायरेक्शन अच्छा है, बट अगर ये मूवी आप लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशन से देखोगे तो वो शायद एक्सपेक्टेशन आपकी फुल नहीं होगी, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये एक रिसेंट मूवी ही बनकर रह जाएगी। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10, और पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूंगा मूवी में अश्लील चीज़ कुछ नहीं है, लेकिन जो वॉयलेंस है जो क्राइम है वो आपके देखने लायक है नहीं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।